नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको हर बार सही और सटीक जानकारी दी जाती है। यही कारण है इसका कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार और सहयोग दिया और लगातार सब्सक्राइब करते हुए आ रहे हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एल्टीग्रेट विज्ञापन की। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कितने पदों पर भर्ती आ सकती है? तो लगभग 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लगभग 10,000 पद भी हो सकते हैं। क्या बीएड चाहिए होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बीएड चाहिए होता है, मांगा जाता है आप लोगों से बीएड। सर, मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन भी ज़्यादा है, आप लोगों ने एमएड कर रखा है, आप लोगों ने और ज़्यादा पीएचडी वगैरह कर रखा है, डिग्री ले रखी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है? तो देखिए, नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते तक आप लोगों का विज्ञापन आने की पूरी पूरी संभावना है। क्या इसमें कोई और उम्र की सीमा है क्या? तो दोस्तों हाँ, उम्र की सीमा तो है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु सीमा रखी हुई है। गणित, अंग्रेजी, कला, संस्कृत, उर्दू, संगीत, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि आदि के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए? तो दोस्तों, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री, और साथ में बीएड की डिग्री मांगते हैं, वो भी पास्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट के लिए? तो बैचलर डिग्री मांगा जाता है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और साथ ही में बीपीएड करा हो या बीपीई डिग्री हासिल की हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। मुझे हिंदी विषय के लिए आवेदन करना है, मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एज ए हिंदी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और साथ में अगर इंटरमीडिएट कर रखा हो विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट या उसके समकक्ष कोई एग्जामिनेशन पास कर रखा हो संस्कृत के साथ, और साथ ही में साथ बीएड की डिग्री तो होनी चाहिए। हर केस में मांगी जाएगी आपके बीएड की डिग्री, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो आपकी। सर, इसमें किन किन विषयों की तैयारी करनी होगी? तो दोस्तों, एक तो सामान्य अध्ययन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो, पेपर जो आता है वो बहुत ज़्यादा कठिन आता है दोस्तों, यानी हार्ड पेपर होता है, टफ लेवल के एग्ज़ाम के में प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, अपना मुख्य विषय यानी मेन सब्जेक्ट तैयार करना होगा। दोस्तों, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक नंबर का एक प्रश्न होता है। आपका 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें सामान्य अध्ययन 30 नंबर का आता है, 30 नंबरों का सामान्य अध्ययन, और मुख्य विषय से 120 नंबरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 150 का 40% अंक यानी 60 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि क्योंकि लोक सेवा आयोग ये पेपर बनाता है और भर्ती निकालता है, तो न्यूनतम नंबर तय कर रखे हैं उसने। यही सबसे बड़ा कारण है कि पिछली बार बहुत सारी सीटें, लगभग 3,500 से 4,000 सीटें खाली रह गई थी, भर नहीं पाई थी, और वो इस साल जुड़ने वाली हैं। 2018 में पिछली बार पेपर हुआ था आपका, आप लोगों का। अब SC ST के लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य होता है, 150 का 30% मतलब 45 नंबर, तो SC ST वालों को लगभग 45 नंबर, और जो जनरल के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और उनको 60 नंबर लाना अनिवार्य होता है। क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल एज रिलैक्सेशन तो मिलता है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जनरल वालों के लिए कुछ नहीं भैया यहाँ पे। सर, एलटी ग्रेड टीचर कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं? तो देखो, एलटी ग्रेड जो टीचर होते हैं वो कक्षा 9वीं एवं 10वीं में पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ाया करते हैं, और इनका प्रमोशन भी हो सकता है, जैसे GIC लेक्चरर के रूप में या स्कूल के डेप्यूटी इंस्पेक्टर के तौर पर भी हो सकता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और पेपर भी इसका हार्ड होता है TGT के तुलना में। अगर TGT की बात करें तो वो भी 9वीं 10वीं कक्षा में ही पढ़ाते हैं। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय आते हैं? तो देखो, सामान्य अध्ययन में जो विषय आते हैं वो एनवायरमेंट, एक तो पर्यावरण, करंट अवेयर इवेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडियन हिस्ट्री आपका, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
है ना, अर्थशास्त्र से, जनरल साइंस से, और साइंटिफिक रिसर्च, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, ILO वगैरह जितनी भी हैं, ये आपका सब कुछ आपको देख कर चलना पड़ता है, सबकी तैयारी करके चलनी पड़ेगी आपको। और LT ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी होती है, देखो भैया 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक होती है एक साथ में, और 4,800 रुपये का ग्रेड पे होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, DA, TA, HRA और तरह तरह के भत्ते दिए जाते हैं। तो भैया आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवसर दिया गया है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा आपकी काम की बात। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में जानकारी और जितनी भी अपडेट्स होंगी और जितनी भी आपको तैयारी कराई जाएगी वो फ्री में कराई जाएगी, आपसे एक भी रुपया नहीं मांगा जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां और आपकी तैयारी कराई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माई फ्रेंड्स।